सबसे पहले कोई भी चीज़ शुरू करने से पहले पहले श्री गणेशाय नमः होता है। और तो आप देख ही रहे हैं, हमारा एक्चुअली हमारा अभी विचार चल रहा है पूना जाने के लिए, क्योंकि वहाँ की जो मिरौनुक होती है वो देखने लायक है। तो अभी सोच रहे हैं, क्योंकि हमारा डेढ़ दिन का गणपति है, फिर लालबाग का राजा हम देखने जाएंगे शायद, अगर मतलब भीड़ तो खैर होती ही है अगर सब कुछ ठीक रहा तो, अगर बारिश ज़्यादा ना हो तो। और वडाड़ा मठ का गणपति है, वो मेरे मॉम के GSB गणपति है, बहुत फेमस। तो अभी ये सारी चीज़ें चल रही हैं। हमारे लिए बेसिकली गणपति एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है। इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि पूरी फैमिली आती है एक साथ। दिवाली में एक मतलब अब 55 साल होने आ रहे हैं, हमारे गणेश जी को आ रहे हैं अभी 55 साल से। तो पूरी फैमिली एक साथ आती है, खाना बनाती है, प्रसाद बनाती है, तो डेढ़ दिन का काफ़ी हल्ला गुल्ला होता है। अच्छा, आज विसर्जन भी है और आप मतलब देख ही सकते हैं कि बाहर काफ़ी लोग जो है विसर्जित करने जा रहे हैं, तो क्या आप भी फैमिली के साथ जाने वाले हैं? एक टाइम तक हम जाते थे, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा भीड़ होने लगी है, तो हम सिर्फ गेट तक जाते हैं और फिर बाकी जो मेल मेंबर्स हैं वो ले जाते हैं। और हमारे लिए तो बहुत ही हॉप स्किप एंड जंप है समुंदर। तो बस ये हमारा एक हाउ डू से कोशिश है कि हर एक किस्म से हम इको फ्रेंडली की तरह इस यू नो गणेश फेस्टिवल को भी मनाएं। वही एक्चुअली वो मतलब इस बार ये जो डेढ़ दिन है वो बिल्कुल कट ऑफ रहना चाहती इन सब चीज़ों से, इसीलिए मैंने उसको ज़्यादा फोर्स नहीं किया। थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग। तो मुझे लगता है मैंने भी फिर सोचा यू नो इस बात को रिस्पेक्ट किया जाए, बट वो फुल फॉर्म में होती है, मतलब खाना परोसने से और सबको सारी जो खातिर नवाजी होती है, जो खातिरदारी होती है वो सब करती है और टोटली इन्वॉल्व होती है। बस यही गणपति बाप्पा मोरिया और शांति अमन रहे, बस यही उम्मीद करती हूँ, यही प्रार्थना करती हूँ। थैंक यू सो मच।